दोस्तों आज मैं आया हूँ रुद्र डांस एकेडमी में यानी RDA। यहाँ पर डांस कंपटीशन होने जा रहा है दोस्तों। इसके कुछ ऑडिशंस हो भी गए हैं और कुछ होंगे भी। आज हम RDA के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ कब कब यहाँ ऑडिशन होने हैं। दोस्तों आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। ये जो कंपटीशन होने जा रहा है भास्कर जी, इसमें कौन जजेस हैं? क्योंकि जजेस की बहुत मेन भूमिका होती है, क्योंकि जजेस को ही देखना होता है कि कौन सा डांसर डांस अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि डांस बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनको जज करने की ये कहो कि एक्सपीरियंस नहीं है या वो उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो इस बार जो जजेस हैं वो कौन कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? तो इस बार ये जजेस, एक जज आपका ये हल्द्वानी से रेनू मौर्या और एक जज आपका डांसिंग में राज शर्मा। हाँ, तो ये दोनों जजेस बढ़िया हैं। तो ये दो जजेस हैं, तो ये सभी को जजेस करेंगे, जैसे कि डांस वाले को भी, मॉडलिंग वाले को भी, इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसको, सबको? हाँ, बट इसमें ऐसे है कि मॉडलिंग का जज मॉडलिंग ही करेगी और जो डांसिंग का जज डांसिंग ही करेगा, तो अलग अलग जजेस हैं, तो दोनों ही अलग हैं। अच्छा, तो इसमें सभी जितनी भी एकेडमीज हैं यहाँ पर, सभी के जो डांसर्स हैं सभी पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, सभी करेंगे पार्टिसिपेट, कोई भी कर सकता है ना? कोई एज लिमिट तो नहीं है? एज लिमिट तो इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें छोटे बच्चों की एज अलग है, और अगर इसमें वैसे आगे छोटे बच्चे कितनी एज से कितने तक ले सकते हैं? छोटे बच्चे 4-7, यानी कि जो किड्स में आएंगे। हाँ, जो छोटे बच्चे जो आते हैं वो आपका 4-7। हाँ, यानी कि 4-7 साल, 4 से, और 7-9, 7-9, 7-9, 7-9 साल। हाँ, ये किड्स में आएंगे, ये आपका किड्स में आएंगे। और भी है ये जिसमें, और 7-9 हो गया, 9-12 है, 9-12, 9-12। और जो बच्चा 16 साल से ऊपर जाएगा वो आपका सीनियर में जाएगा। यानी किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 4 साल के हैं, अगर आप 6 साल के हैं, 9 साल के हैं, 12 साल के हैं, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि इसको 9-10 साल हो चुके हैं, तो 9-10 सालों से आप इसी फील्ड में? हाँ, मेरे को डांस में तो काफ़ी टाइम हो गया है, और आई थिंक 10 साल से ऊपर ही हो गया, 15 साल हो गए डांस में मेरे को। 15 साल हो चुके हैं, वो आपको तो बहुत नॉलेज होगी फिर डांस। हाँ, और एकेडमी को 6 इयर्स कंप्लीट ही हो गए हैं, डांस में बहुत टाइम हो गया, नॉलेज भी काफ़ी हो गई है। अच्छा, तो जैसे कि डांस होता है, डांस की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो सारी जितने भी फॉर्म्स होती हैं वो सब आप ही सिखाते हैं? जैसे कि मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, तो जैसे कि फॉर्म्स में भांगड़ा होता है, क्लासिक होता है, बॉलीवुड डांस होता है, तो ये सारी फॉर्म्स वगैरह आप ही सिखाते हैं, कोई अलग से आता टीचर? नहीं नहीं, उसमें सारी फॉर्म्स मैं ही सिखाता हूँ अलग अलग ना। उसमें ऐसे होता है कि जो बच्चा अब बोलता है कि मेरे को हिप हॉप सीखना है या मेरे को क्लासिकल करना है, तो उनको फिर वैसे ही सिखाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, गिवर्स थोड़ा कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाएगा, लेकिन ये देखिएगा, ये जितने भी आप यहाँ पर अवार्ड्स देख रहे हैं, ये जो इन्होंने ही विन किए हैं, ये विनर्स हैं, और ये जो मेडल्स हैं ये देखिएगा, इतने सारे अवार्ड्स किसी किसी के पास होते हैं, इन्होंने बहुत। ये जो कंपटीशन होने जा रहा है भास्कर जी, इसमें कौन जजेस हैं? क्योंकि जजेस की बहुत मेन भूमिका होती है, क्योंकि जजेस को ही देखना होता है कि कौन सा डांसर डांस अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि डांस बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनको जज करने की ये कहो कि एक्सपीरियंस नहीं है या वो उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो इस बार जो जजेस हैं वो कौन कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? तो इस बार ये जजेस, एक जज आपका ये हल्द्वानी से रेनू मौर्या और एक जज आपका डांसिंग में राज शर्मा। हाँ, तो ये दोनों जजेस बढ़िया हैं। तो ये दो जजेस हैं, तो ये सभी को जजेस करेंगे, जैसे कि डांस वाले को भी, मॉडलिंग वाले को भी, इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसको, सबको? हाँ, बट इसमें ऐसे है कि मॉडलिंग का जज मॉडलिंग ही करेगी और जो डांसिंग का जज डांसिंग ही करेगा, तो अलग अलग जजेस हैं, तो दोनों अलग है। अच्छा, तो इसमें सभी जितनी भी एकेडमीज हैं यहाँ पर, सभी के जो डांसर्स हैं सभी पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, सभी करेंगे पार्टिसिपेट, कोई भी कर सकता है ना? कोई एज लिमिट तो नहीं है? एज लिमिट तो इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें छोटे बच्चों की एज अलग है, और अगर इसमें वैसे आगे छोटे बच्चे
कितनी एज से कितने तक ले सकते हैं? छोटे बच्चे 4 to 7, यानी कि जो किड्स में आएंगे। हाँ, जो छोटे बच्चे जो आते हैं वो आपका 4 to 7, 4 to 7, हाँ, यानी कि 4 से 7 साल, 4 से, और 7 to 9, 7 to 9, 7 to 9, 7 से 9 साल, हाँ, ये किड्स में आएंगे, ये आपका किड्स में आएंगे। और भी है ये जिसमें, और 7 to 9 हो गया, 9 to 12 है, 9 से 12, और जो बच्चा 16 साल से ऊपर जाएगा वो आपका सीनियर में जाएगा। यानी किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, अगर आप 4 साल के हैं, अगर आप 6 साल के हैं, 9 साल के हैं, 12 साल के हैं, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि इसको 9-10 साल हो चुके हैं, तो 9-10 सालों से आप इसी फील्ड में? हाँ, मेरे को डांस में तो काफी टाइम हो गया है, और आई थिंक 10 साल से ऊपर ही हो गया, 15 साल हो गए डांस में, 15 साल हो चुके हैं, वो आपको तो बहुत नॉलेज होगी फिर डांस। हाँ, और एकेडमी को 6 इयर्स कंप्लीट ही हो गए हैं, डांस में को बहुत टाइम हो गया, नॉलेज भी काफी हो गई है अब। अच्छा, तो जैसे कि डांस होता है, डांस की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो सारी जितने भी फॉर्म्स होती हैं वो सब आप ही सिखाते हैं? जैसे कि मुझे ज्यादा तो जानकारी नहीं है, तो जैसे कि फॉर्म्स में भांगड़ा होता है, क्लासिक होता है, बॉलीवुड डांस होता है, तो ये सारी फॉर्म्स वगैरह आप ही सिखाते हैं, कोई अलग से आता टीचर? नहीं नहीं, उसमें सारी फॉर्म्स मैं ही सिखाता हूँ, अलग अलग ना। उसमें ऐसे होता है कि जो बच्चा अब बोलता है कि मेरे को हिप हॉप सीखना है या मेरे को क्लासिकल करना है, तो उनको फिर वैसे ही सिखाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इनके वर्ड्स थोड़ा कैमरा में थोड़ा आगे आ जाएगा, लेकिन ये देखिएगा, ये जितने भी आप यहाँ पर अवार्ड्स देख रहे हैं, ये जो इन्होंने ही विन किए हैं, ये विनर्स हैं, और ये जो मेडल्स हैं, ये देखिएगा, इतने सारे अवार्ड्स किसी किसी के पास होते हैं, इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है, ये देखिएगा, और आप देख सकते हैं, ये इनका ऑफिस है, और इनका नाम भास्कर दिवाकर है, ये यहाँ के ओनर हैं, यहाँ के कोरियोग्राफर हैं, ये देखिएगा। तो दोस्त, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, और मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, ये इनका नंबर है, और इस नंबर पे आप इनको कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं यहाँ के आने के लिए। थैंक यू सो मच।